क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर, डिफरेंशिएट दिस विथ रिस्पेक्ट टू, तो हम लोग ले लेते हैं, लेट u इक्वल टू में दिया है साइन इनवर्स 4x इनटू में रूट अंडर 1 माइनस का 4x स्क्वायर, और यहाँ पे v इक्वल टू में आपके पास है रूट अंडर 1 माइनस का 4x, उसका तो कोई बात नहीं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना होगा, यहाँ पे x अलग अलग यहाँ पे इंटरवल में बिलोंग्स कर रहा है। चलिए देखते हैं, इसके लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, साइन इनवर्स 2 इंटू में 2x रूट अंडर 1 माइनस 2x का स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं, लेट लेट यू, यहाँ 2x के प्लेस पे हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं साइन थीटा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 2x ना, चलिए अब आगे देखते हैं, यू इक्वल टू में साइन इनवर्स 2 साइन थीटा रूट अंडर 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी यू इक्वल टू में साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा आ जाएगा, तो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर, आप देखिए यहाँ पे हमारे अलग अलग इंटरवल पे देखना होगा, अभी का आपका क्या है रूट अंडर 1 माइनस का 4x स्क्वायर, अब इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा हमें। अब इसके फर्स्ट नंबर में देखिए क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू माइनस 1 बाई 2 रूट 2 से कहाँ तक, 1 बाई 2 रूट 2 पे, 1 बाई 2 रूट 2 पे इससे बिलोंग कर रहा है, अच्छा x इससे बिलोंग कर रहा है, और ऊपर हमने क्या दिया है कि 2x इक्वल टू में साइन थीटा है, यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए x का वैल्यू, तो x का वैल्यू 2x इक्वल टू में यहाँ पे ये साइन थीटा है, तो अगर हम लोग देखें तो x का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा बाई 2 ना जी। तो अगर आप देखो x यहाँ से, इससे x का वैल्यू यहाँ पर अगर देखा जाए, ये लिया जाए x का वैल्यू, तो यहाँ पर आपका ये आखिर से मल्टीप्लाई करेगा, 2 से 2 आपका कट जाएगा, 1 माइनस 1 बाई रूट 2 साइन थीटा का वैल्यू, और साइन थीटा माइनस 1 बाई रूट 2 होने का मतलब है कि माइनस पाई बाई 4, अच्छा उसी तरह ये प्लस पाई बाई 4 होगा, यानी कि यहाँ से थीटा जो होगा माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 के बीच बिलोंग्स करेगा, ठीक है। इससे हम लोग यहाँ पे आप देखो ना, x की जगह ये लेंगे तो यहाँ देखिए आपका माइनस 1 बाई रूट 2 आएगा जो माइनस पाई बाई 4 का, ये प्लस का 1 बाई रूट 2 आएगा, 1 बाई रूट 2 आएगा जिसका ये प्लस का पाई बाई 4 का, तो ये इसी के बीच लाई करेगा, माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में अगर हम लोग बात करेंगे थीटा की ना, सॉरी थीटा थीटा बिलोंग करेगा, तो इसके इस क्वाड्रेंट इसके लिए ये तो आपका ये कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए आप साइन से साइन हटा देंगे, देयरफॉर यू इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पर 2 थीटा, यानी कहने का मतलब यू इक्वल टू में हो जाएगा 2 साइन इनवर्स 2x एंड वी इक्वल टू जो था वही रहेगा, ठीक है। अब इसे यहाँ पर हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ से हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू 2 इंटू में 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस का x स्क्वायर और 2x का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, v का डेरिवेटिव करेंगे डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू में 1 बाई 2 रूट अंडर 1 माइनस का 4x स्क्वायर और इंटू में यहाँ माइनस का 8x हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से आप लिख सकते हैं डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू में 4 वाई में रूट अंडर 1 माइनस का 4x स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट, एंड यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू में हो जाएगा माइनस 8x, या फिर चाहो तो इसे काट भी सकते हो, है ना, इसे 4 टाइम्स में काट देंगे, तो माइनस का 4x बाई में रूट अंडर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो अब इसमें से डिवाइड कर देते हैं, इसे इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं, लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो हो जाएगा क्या, देखो तो क्या आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स बाई में डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू में 4 बाई में रूट अंडर 1 माइनस का 4x स्क्वायर और बाई में माइनस का 4x इंटू में 4x बाई में 1 माइनस का 4x स्क्वायर, यहाँ पर 4x स्क्वायर है, ठीक है, इसका 4x स्क्वायर है ना जी। चलिए अब देखिए इसके बाद इससे ये काट देंगे, 4 से 4 काट देंगे, यहाँ डी एक्स से डी एक्स कर गया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा डी यू बाई डी वी इक्वल टू में आ जाएगा माइनस 1 बाई एक्स, समझ गए। चलते इसके सेकेंड वाले पे, सेकेंड कह रहा है कि 1 बाई एक्स बिलोंग कर रहा है 1 बाई रूट 2, 1 बाई 2 रूट 2 से 1 बाई 2, ठीक है। सेकेंड नंबर में क्या कह रहा है कि x बिलोंग्स टू 1 बाई 2 रूट 2 से 1 बाई 2, देखो यही ना दिया हुआ है जी, ठीक है। अब देखिए चूंकि हमारे पास x 2x इक्वल टू में क्या है, 2x इक्वल टू में है साइन थीटा, तो देखो अगर आप देखो x की जगह पे ये रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, आपका 1 बाई रूट 2 बचेगा, और 1 बाई रूट 2 साइन में कितना का हो जाएगा, पाई बाई 4 का, तो पाई बाई 4 से ग्रेटर होगा थीटा, अच्छा ये 1 बाई 2 रख देंगे, 2 से 2 कट जाएगा,
टू से टू कट जाएगा, आपका वन आ जाएगा, तो ये किसका पाई बाई टू का हो जाएगा ना जी। तो अगर ये थीटा इससे बिलोंग करा तो टू थीटा की जब बात आएगी, टू थीटा की जब बात आएगी, अगर आप इसमें टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पाई बाई टू से ग्रेटर होगा टू थीटा बट लेस देन होगा पाई से, तो ये चला जाएगा किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो अब यहाँ से यू इक्वल टू में क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा पाई माइनस का, पाई माइनस का टू थीटा, यही ना हो जाएगा जी। यानी यू इक्वल टू में पाई माइनस का टू साइन इनवर्स टू एक्स, ठीक है, यही ना लिखेंगे। अब इसे डिफ्रेंशिएट करते हैं और भी का वैल्यू आपके पास दिया ही है रूट अंडर वन माइनस का फोर एक्स स्क्वायर। चलिए दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा पाई का जीरो माइनस का टू इन टू में वन बाई रूट अंडर वन माइनस टू एक्स का स्क्वायर और टू एक्स का टू हो जाएगा। एंड भी डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा वन बाई में टू रूट अंडर वन माइनस का फोर एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पर माइनस का एट एक्स आ जाएगा इसका। चलिए अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, यहाँ देखो इस टू से इस एट को काट सकते हैं हम लोग फोर टाइम्स में, तो यहाँ से डी यू बाई डी एक्स क्या हो जाएगा माइनस ऑफ फोर बाई में रूट अंडर वन माइनस का फोर एक्स स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट एंड यहाँ पर डी वी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका, ये आपका क्या आ जाएगा जी, तो आ जाएगा माइनस का फोर एक्स बाई में रूट अंडर वन माइनस का फोर एक्स स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड ले लेते। अब इसमें से डिवाइड कर देते हैं, लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या होता है, डी यू बाई में डी एक्स बाई में डी वी बाई में डी एक्स इक्वल टू माइनस फोर बाई रूट अंडर वन माइनस का फोर एक्स स्क्वायर बाई में माइनस का फोर एक्स बाई में रूट अंडर वन माइनस का फोर एक्स स्क्वायर। चलिए यहाँ डी एक्स से डी एक्स हटा देते हैं, इससे ये हट जाएगा, फोर से फोर माइनस से माइनस हटा देंगे, डी यू बाई में डी वी आपका क्या आ जाएगा वन बाई एक्स आ जाएगा, समझ गए। चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखिए, माइनस वन बाई टू से माइनस वन बाई टू रूट टू पे बिलोंग कर रहा है सब, है ना। थर्ड नंबर में क्या रहा कि एक्स बिलोंग कर रहा है माइनस वन बाई टू से माइनस वन बाई टू रूट टू के बीच, तो आपका टू एक्स इक्वल टू में साइन थीटा है ना जी, टू एक्स इक्वल टू साइन थीटा है, तो देखो अब ये रखोगे यहाँ टू से टू कट जाएगा माइनस वन, यानी कि माइनस पाई बाई टू हो जाएगा, माइनस पाई बाई टू से ग्रेटर होगा थीटा। अच्छा बट यहाँ पे इसको रखेंगे तो यहाँ से टू कट जाएगा वन माइनस वन बाई रूट टू, यानी कि माइनस पाई बाई फोर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग किससे, तो इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे टू से, तो आ जाएगा माइनस का पाई से ग्रेटर होगा टू थीटा बट लेस देन होगा माइनस पाई बाई टू से, है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं देखो, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, तो यू इक्वल टू में आ जाएगा, यू इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का पाई माइनस टू थीटा, ठीक है। ये हम लोग पढ़े हुए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कि इस इंटरवल में लाइक करेगा, हम लोग वहां पे जानते हैं कि जब आप, हम लोग ऐसे में आपको यहाँ लिख के दिखा देता हूँ कि अगर आपका साइन इनवर्स साइन एक्स हो तो ये इक्वल होता है माइनस का पाई माइनस थीटा के, जब थीटा बिलोंग्स करता है किसके, तो इंटरवल माइनस थ्री पाई बाई टू से माइनस पाई बाई टू, तो इसी इंटरवल के ही ना अंदर ये लाइक कर रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से आपका u इक्वल टू में हो जाएगा माइनस पाई माइनस का टू टू, थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू यहाँ पर है साइन इनवर्स टू एक्स और v का वैल्यू क्या है रूट अंडर वन माइनस का फोर एक्स स्क्वायर। तो इसे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो आ जाएगा यहाँ पर देखिए डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू में ये तो जीरो माइनस टू इंटू में वन बाई रूट अंडर वन माइनस टू एक्स का स्क्वायर और टू एक्स का टू हो जाएगा, ठीक है। तो यानी आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस का फोर बाई में रूट अंडर वन माइनस का फोर एक्स स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरह से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी वी बाई डी एक्स हो जाएगा वन बाई में टू रूट अंडर वन माइनस का फोर एक्स स्क्वायर और इंटू में माइनस का एट एक्स, इसे काट सकते हैं टू फोर टू फोर जा एट, यानी कि डी वी बाई डी एक्स यहाँ से आ जाएगा माइनस फोर एक्स बाई में रूट अंडर वन माइनस का फोर एक्स स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड लेते हैं। अब इसमें इसे डिवाइड कर देते हैं, तो लिखते हैं डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर डी यू बाई में डी एक्स बाई में डी वी बाई में डी एक्स इक्वल टू में माइनस फोर बाई में रूट अंडर वन माइनस का फोर एक्स स्क्वायर और बाई में माइनस का फोर एक्स बाई में रूट अंडर वन माइनस का फोर एक्स स्क्वायर, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, आ जाएगा डी यू बाई डी वी इक्वल टू में वन बाई में एक्स, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं।